किस तरह के वर्चुअल कंटेंट मत करो, पास करो पीटीआई के लोगों को, चाहे वो उपलब्ध है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, उनको सीधी बोलिए मारो। हम लोग उनको छोड़ने हैं, बहुत से तरीके से हमारे गेस्ट थे, हाई कोर्ट में आए थे, हमारे सुबह से मिले, जैसे ही हम बाहर आए यहाँ पुलिस के यहाँ 8-10 गाले खड़े हुए थे, आगे बात तीन चार ने पूरा हाई कोर्ट का यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ कि इसको हम भागने नहीं देना, और इतने में गाड़ी से पुलिस वाले ऐसे टहलते टहलते आए और एक ही दम आगे उसका चप्पा मारा है, हम वकील समझ के हमने उनको चलाया, हम उनको रेजिस्टेंस करते करते यहाँ तक लाए और यहाँ पे आकर ना इन्होंने कितनी तादाद में पुलिस मौजूद थी, पुलिस वाले कम से कम 100-150 की तादाद में मौजूद थे, गाड़ियाँ चढ़ाई डंडे मारे, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को हमसे इग्नोर करके ले गए, क्या हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, क्या जैसे हमारा आईन कहता है हम उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं, हमने कानून के मुताबिक अपनी मीटिंग की, अंदर हम बाहर आए हैं, ये सरासर पुलिस की निंदा करती है, अब लेकर जम्मे की आशीर्वाद है जिस वजह से उनको हमारे हाथों से हमें मार पीट के थक के दे के शेर अफजल साहब को हमसे हम हैरतमंद लोग हैं, हम मुतला की नाकामी होती या हम करे होते तो आपका क्या ख्याल है शेर अफजल मरवत के जाने के बाद हम यहाँ खड़े होते, हम बिल्कुल नहीं खड़े होते, देखिए हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, जब तक हमारे अंदर ये ताकत है, जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक हमारा खून चलता है, हम कभी इस तरह के गवर्नमेंट है जो सीधा है ना हमें, ये तो अमेरिका के पिट्टू है, ये तो गुलाम है, हम तो गुलामी के खिलाफ चल रहे हैं, हम तो मुल्ला के लिए चल रहे हैं, हम कहते हैं आओ इस तरह के वर्चुअल कंटेंट मत करो, पास करो पीटीआई के लोगों को, चाहे वो उपलब्ध है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, उनको सीधी बोलिए मारो, क्योंकि तुम अमेरिका की गुलामी में तमगा लो कि हमने अपने सिविलियंस को, हम क्योंकि हम बड़े अमेरिका।